भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश CJI ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भारत के किस राज्य से हैं? ठीक है, तो ये असम राज्य से हैं ये न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, ठीक है ना। स्किल इंडिया अभियान का राजदूत किसे बनाया गया है? ठीक है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को बनाया गया है स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली महिला IAS ठीक है अधिकारी का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो वो अन्ना राजा मल्होत्रा है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग IEC के नए अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कमलेश नीलकांत व्यास जी हैं, ठीक है। सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, मोटाज मोसा अब्दुल्ला, ठीक है। कौन है सूडान के नए प्रधानमंत्री? मोटाज मोला अब्दुल्ला, ठीक है। पाकिस्तान में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ताहिरा सफदर को, ठीक है, ताहिरा सफदर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम UK में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचि घनश्याम को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नायर जिनका हाल ही में निधन हो गया की आत्मकथा का नाम क्या है? बियॉन्ड द लाइसेंस ठीक है। उरी अनवरे ठीक है जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के प्रसिद्ध पत्रकार थे? तो इसराइल के प्रसिद्ध पत्रकार थे वो, ठीक है। किस खिलाड़ी को BSNL का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है BSNL का नया ब्रांड एम्बेसडर। पाकिस्तान का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ अलवी को, ठीक है। पुरस्कार को देख लेते हैं, ठीक है। किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को मेरिल स्ट्रीप उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऐश्वर्या राय बच्चन को, ठीक है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेरिल स्ट्रीप उत्कृष्टता पुरस्कार से, ठीक है। किन भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये भारत वाटवानी और सोना वांगचुक को, ठीक है, ये दो को रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 2018 के लिए वर्ष के एशिया सोसाइटी खेल प्रवर्तक के रूप में किस भारतीय मूल व्यक्तित्व का चयन किया गया है? तो इंदिरा नुई को, ठीक है। 2018 के लिए प्रफुल्ल विधवई स्मारक पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो उल्का महाजन को दिया गया है विधवई स्मारक पुरस्कार, ठीक है। अरोरा पुरस्कार विजेता क्या हल्ला अंग ने जिन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दान किया है किस देश से संबंधित है? तो ये म्यांमार से संबंधित है, ठीक है, बर्मा से। योजना और लॉन्च देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च ई सहज पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो व्यवसायों के लिए सुरक्षा अनुमोदन का इसका उद्देश्य है, ठीक है, ई सहज का। भारत की पहली स्मार्ट बार्ड पायलट परियोजना किस सीमा से शुरू की गई है, ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा से शुरू की गई है स्मार्ट बार्ड, ठीक है। भारत की पहली 205T इलेक्ट्रिक ड्राइवर रियर ड्रम टब, ठीक है, BHA 205E किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो BIML, ठीक है। भारतीय तकनीकी भाषाकारों को अपनी सामग्री ऑनलाइन लाने में मदद करने के लिए किस तकनीकी दिग्गज ने नवलेखा परियोजना लॉन्च की है? तो ये गूगल ने, ठीक है ना। नेता ऐप जो भारतीय मतदाताओं को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के मूल्यांकन की सुविधा देता है किस देश की स्वीकृति प्रणाली से प्रेरित है? ठीक है, तो अमेरिका के स्वीकृति प्रणाली से प्रेरित किया गया है इसे, ठीक है ना, वहीं से प्रेरित होकर के यहाँ पर नेता ऐप बनाया गया है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में 2020 तक मंगल मिशन, ठीक है, होप लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है ना। मानव तस्करी से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं सिद्ध, ठीक है, योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल ने, ठीक है ना, स्वयं सिद्ध योजना लॉन्च की है मानव तस्करी से निपटने के लिए। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सरकारी सेवाओं के दरवाजे के वितरण के लिए भारत की पहली योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने, ठीक है ना। भारत के बाद IAEA सेफ गार्ड्स के तहत 4 रिएक्टरों को रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा निगरानी के तहत परमाणु सुविधाओं की कुल संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये 26 होगी अब, ठीक है। वायु प्रदूषण की लॉन्च के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योग के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली लॉन्च की है? तो उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने
ई सिगरेट के निर्माण, बिक्री और रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तमिलनाडु के राज्य सरकार ने, ठीक है। भारत अमेरिका सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास 2018 किस राज्य में आयोजित किया गया था, ठीक है, तो उत्तराखंड में, ठीक है ना। अमेरिका स्थित फर्म क्रोनोस इनकॉम्पोर्ट्स द्वारा संस्कृत अध्ययन सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे कठिन परिश्रम करने वाला देश है, तो ये भारत है, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेश निर्मित विमान में मध्य वायु रिफ्यूलिंग, ठीक है, मध्य वायु रिफ्यूलिंग सफलतापूर्वक संपन्न किया, तो ये तेजस ने, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इथेनॉल संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो यह हरियाणा सरकार ने, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल, ठीक है, बोगीबेल किस नदी पर बनाया जाएगा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा बोगीबेल। महत्वाकांक्षी जिलों पर फोकस के साथ सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये भोपाल में। मान्यता पर विश्व शिखर सम्मेलन WOSA 2018 का चौथा संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में, ठीक है। किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए भारत को 120 मिलियन यूरो का सॉफ्ट लोन मंजूर किया है, तो जर्मनी ने। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी में संबंधित है, ठीक है, तो यमुना नदी से संबंधित है लखवार उद्देश्य परियोजना, ठीक है। समुद्र हाइड्रोलिक प्रणालियों से लैंस भारत का एकमात्र विमान वाहक तोप कौन सा है, तो INS विक्रमादित्य है, ठीक है ना, INS विक्रमादित्य। सितंबर 2018 में किस राज्य सरकार ने युवाओं के कॉन्क्लेव ATL, ठीक है, ATL को व्यवस्थित करने का फैसला किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। बिमस्टेक 2018 राज्य के प्रमुख के चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा शहर हो, शिखर सम्मेलन का आयोजन शहर कौन सा था, ठीक, कौन सा है, तो काठमांडू है, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक स्मरण में अपने नए राजधानी को अटल नगर के रूप में नामित करने का फैसला किया, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ठीक है। किस भारतीय सेना प्रमुख को संयुक्त राज्य अमेरिका USA लीजर ऑफ मेरिट के से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो दलवीर सिंह सुहाग को। किस भारतीय शूटर ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भारत का पहला शूटिंग स्वर्ण पदक जीता है, तो सौरभ चौधरी ने, ठीक है। हाल ही में डेल्टा फोर्स का 25वां संकर स्थापना दिवस मनाया गया, यह किस भारतीय सशस्त्र बल यानी IAF का एक विद्रोह रोधी बल है, ठीक है, तो भारतीय सेना का। 2+2 संवाद के पहले दौरे में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस सैन्य संचार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये कॉम कासा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। किस शहर ने रक्षा और गृह भूमि सुरक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन 2018 का मेजबानी की है, तो नई दिल्ली ने, ठीक है। धारा 377 जिसे हाल ही में गैर अपराधी घोषित किया गया है किस वर्ष लागू हुई थी, तो 1861 में लागू हुई थी, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार BPL परिवारों को की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन मुहैया कराएगी, तो राजस्थान, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ठीक है। अभ्यास एवियांद्रन किन देशों के बीच संपन्न हुआ, तो भारत और रूस के बीच, ठीक है। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को शुरू किया है, ठीक है, तो जर्मनी ने। माउंट एवरेस्ट मैत्री अभ्यास किन देशों के सैन्य अभ्यास का नाम है, ठीक है, तो नेपाल और चीन के सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, मैत्री अभ्यास, माउंट एवरेस्ट मैत्री अभ्यास। दिल्ली सरकार ने 12 मैचों पर विशेषज्ञता साझा करने के लिए किस शहर के साथ मैत्री और सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, तो सियोल के साथ। सागरमाथा मैत्री 2018 सैन्य अभ्यास किन देश के बीच संपन्न होना अनिवार्य
निर्धारित है, ठीक है, तो नेपाल और चीन के बीच, ठीक है। नोमाडिक हाथी 2018 भारत और किन देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो मंगोलिया के बीच, ठीक है ना। भारत ईरान अफगानिस्तान के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक किस शहर में हुई थी, ठीक है, तो काबुल में हुई थी, ठीक है ना। किस शहर ने पहली बार बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास मिलेक्स 2018 की मेज़बानी की है, तो ये पुणे ने, ठीक है। किस देश ने जलवायु कार्रवाई पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2018 का मेज़बानी की है, तो अमेरिका ने। बहुदेश सुनामी मॉक अभ्यास ड्रिल, ठीक है, आईओ वेव 2018 किस महासागर में संपन्न हुआ, तो ये हिंद महासागर में संपन्न हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास रैपिड ट्राइडेंट 2018 किस देश में शुरू हुआ, ठीक है, तो यूक्रेन में शुरू हुआ है, ठीक है। चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस, ठीक है, 2018 के लिए कौन सा देश मेज़बानी करेगा, ठीक है, तो नीदरलैंड करेगा, ठीक है। बिम्स्टेक के पांचवें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में किस देश ने भाग लिया है, तो श्रीलंका ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना के किस जहाज में बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री सगाई अभ्यास ककाड़ू 2018 में भाग लिया है, ठीक है, तो INS सहाद्री ने, ठीक है, INS सहाद्री में। चौथे एशियाई चुनावी हितधारक मंच, ठीक है, का आयोजक शहर कौन सा, कोलंबो है, ठीक है। मिजिमा मीडिया ग्रुप जो हाल ही में समाचार में था किस देश की एक कंपनी है, तो ये म्यांमार की एक कंपनी है, ठीक है। बहुसंख्यक आतंकवाद अभ्यास SCO शांति मिशन 2018 का मेज़बानी देश कौन सा है, तो ये रूस है, ठीक है। माउंटेन इकोस लिटरेचर फेस्टिवल 2018 के नवे संकरण का मेज़बानी देश कौन सा है, तो ये भूटान करेगा नवा संकरण का। चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान से डेल्टा का उपयोग कर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की है, तो ये नासा ने पुष्टि किया है। सिलिनेक्स 2018 नौसेना अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया है, तो भारत और श्रीलंका ने सिलिनेक्स 2018 में भाग लिया है, ठीक है। काजिंद 2018 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो ये कजाकिस्तान के बीच है, ठीक है ना, कजाकिस्तान के बीच है काजिन 2018। द्वितीय विश्व युद्ध हिंदू कांग्रेस 2018 का आयोजक शहर कौन सा है, तो शिकागो है, ठीक है। वित्तीय जागरूकता देख लेते हैं, फिनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए वित्तीय सहायक प्रदान करता है, ठीक है, तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। भारत ने किन बैंकों का विलय करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बनाने का प्रस्ताव दिया है, तो ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक, ये तीनों को विलय करके यानी कि मिला करके, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तीसरा ऋणदाता बैंक बनाने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। क्रेडिट सुसुई रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक स्वामित्व वाली व्यापार सूची में भारत की रैंक क्या है, तो ये भारत की रैंक कितनी है, तीसरी है। आधिकारिक डिजिटल नवाचार भागीदार के रूप में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के साथ किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने सौदा किया है, तो इंफोसिस ने सौदा किया है। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की चयन समिति का प्रमुख कौन है, बिमल जलान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन 2018 के लिए मेजबानी देश कौन सा है, तो ये नेपाल है। किस देश ने 6वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, तो सिंगापुर ने। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वार्षिक आंकड़ों के अनुसार किस देश ने वित्त वर्ष 2018 में भारत के FDI चार्ट्स में शीर्ष स्थान पर हासिल कर लिया है, तो ये मॉरिशस ने, ठीक है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है, तो ये सुनील मेहता चुने गए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला जो हाल ही में समाचारों में थी किस नदी के तट पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है।
G20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो रविशंकर प्रसाद ने। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मध्य प्रदेश में सिंचाई सुधारने के लिए $375 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एशियाई विकास बैंक के साथ। एशियाई खेलों में बैडमिंटन फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय शटलर कौन बन गया है, पीवी सिंधु। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रिपोर्ट 2018-19 के लिए ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के अनुसार 2018 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान क्या किया गया है, 7.5 किया गया है भारत का जीडीपी, ठीक है ना, कि भारत का जीडीपी आप कितना होगा, 7.5। 2018 इंडिया बैंकिंग कॉन्क्लेव, ठीक है, आईबीसी का आयोजक शहर कौन सा है, तो नई दिल्ली। ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर लेन देन करने वाली पहली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई PSU कौन सी है, ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किस कानून के तहत लोकपाल IO योजना 2018 आंतरिक लोकपाल को संवैधानिक शक्ति देती है, तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत, ठीक है ना। दुनिया का पहला सार्वजनिक ब्लॉकचेन बॉन्ड आई हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ प्रमुख खेल करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक है। किस देश की टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन कप 2018 जीता है, तो ये मालदीव देश ने, ठीक है। महिला क्रिकेट में 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाली कौन सी भारत की पहली महिला गेंदबाज बन गई है, तो ये झूलन गोस्वामी, ठीक है। US ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीता है US ओपन 2018 का पुरुष एकल खिताब। US ओपन 2018 का महिला एकल खिताब जीतने वाला पहला जापानी खिलाड़ी कौन है, तो नोआमी ओसाका है जो जापानी खिलाड़ी है, ठीक है। IAAF कॉन्टिनेंटल कप की पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो अरपिंदर सिंह, ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2018 57 संस्करण जीता है, ठीक है, तो इंडिया ब्लू। किस भारतीय खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर असम का खेल राजदूत नामित किया गया है, तो हिमा दास को असम का खेल राजदूत नामित किया गया है, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है, अंजुम मोदीगिल और अपूर्वी चंदेला, ठीक है, अपूर्वी चंदेला और अनमोल मोजगिल, ठीक है। एलिस्टियर कुक जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेनावृत्ति की घोषणा की है, किस देश किस से संबंध है, तो ये इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है ना। भारत किस शहर में अपनी पहली FIBA यानी कि 3x3W टूर मास्टर इवेंट आयोजित कर रहा है, तो हैदराबाद में, ठीक है। रिको इकी जो एशियाई खेलों में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बनने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है, किस देश से है, तो ये जापान से है, ठीक है, रिको इकी। भारतीय पुरुष की हॉकी टीम ने 2018 जकार्ता एशिया खेलों में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो ये पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। 18वें एशियाई खेलों में समापन समारोह में कौन सा भारतीय खिलाड़ी भारत का ध्वजवाहक था, तो रानी रामपाल। एशियाई खेलों में ब्रिज में भारत का पहला स्वर्ण जीतकर भारतीय पुरुष की किस ब्रिज जोड़ी ने इतिहास बनाया, ठीक है, तो प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार ने, इस जोड़ी ने मिलकर ब्रिज जोड़ी में इतिहास बनाया, मतलब हिस्ट्री बनाया, रिकॉर्ड कायम किए हैं। 18वें एशियाई खेलों 2018 में भारत का एकमात्र मुक्केबाजी गोल्ड किसने जीता है, तो अमित
पंघल ने जीता है, ठीक है ना। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में किस भारतीय ध्वजवाहक ने स्वर्ण पदक जीता है, तो जिनसन जॉनसन ने, ठीक है ना, जिनसन जॉनसन ने जीता है 1500 मीटर के दौड़ में। एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास बनाने वाला इतिहास बनाया है, किसने इतिहास बनाया, तो सपना बर्मान ने, ठीक है। 18वें एशियन खेलों 2018 में 48 साल में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पुरुष तिहरी कूद में, ठीक है, पहली बार स्वर्ण पदक जीता, तो अरपिंदर सिंह ने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक कौन है, तो ये नीरज चोपड़ा है। किस देश की टीम ने फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप फ्रांस 2018 जीता है, तो जापान ने। तेजिंदर पाल सिंह तूर, जिन्होंने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुषों के शॉर्ट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था, ने कितने मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड का स्थापित किया है, तो 20.75 मीटर का रिकॉर्ड स्थापित किया है। 18वें एशियाई खेलों 2018 में महिला एकल में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, किस महिला भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो अंकिता रैना ने। पुस्तक नो स्पिन, ठीक है, नो स्पिन किस अनुभवी क्रिकेट की आत्मकथा है, ठीक है, शेन वॉर्न की आत्मकथा है नो स्पिन, ठीक है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से सेनावृत्ति की घोषणा की है, तो झूलन गोस्वामी ने T20 क्रिकेट से सेनावृत्ति की घोषणा की है, रिटायरमेंट लिया, ठीक है ना। 2018 एशियाई खेलों में डबल ट्रैप शूटिंग कार्यक्रम में किस भारतीय शूटर ने रजत पदक जीता है, ठीक है, शार्दुल विहान ने रजत पदक जीता है, ठीक है, एशियाई खेलों में। किस भारतीय शूटर ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुष के 50 मीटर राइफल में थर्ड पोजीशन आयोजित करके एक रजत पदक जीता है, ठीक है, तीसरी पोजीशन पर आकर एक रजत पदक जीता है, ठीक है, संजीव राजपूत ने, ठीक है। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 68 किलो के फ्री स्टाइल कुश्ती समारोह में किस भारतीय महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है, तो ये दिव्य ककरण ने, ठीक ना। 2018 एशियाई खेलों में शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो राही सरनोबत बन गई है। 281 एंड बियॉन्ड किताब किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है, ठीक है। किस देश के राष्ट्रीय टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2018 जीता है, ठीक है, तो ये भारत ने। 18वें एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है, तो विनेश फोगाट, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसरो के किस लॉन्च वाहक ने श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से यूके के नोवार्स और S14 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है, तो PSLV C42, ठीक है, PSLV C42। इसरो ने हाल ही में श्रीहरिकोटा स्पेस फोर्ट से किस आवृत्ति ब्रांड को पोलारिमेट्री डॉल्पर मौसम रडार लॉन्च किया है, तो S बैंड से, ठीक है। भारत का पहला पानी के नीचे रोबोटिक ड्रोन कौन सा है, तो आयरो टूना। इसरो 2022 तक अंतरिक्ष में गगनयान भेजने के लिए किस लॉन्च वाहक का उपयोग करने की योजना बना रहा है, GSLV MK3, ठीक है। हाल ही में परीक्षण संपन्न एंटी टैंक निर्देशक मिसाइल हेलिना किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च स्करण है, ठीक है, तो ये नाक का, ठीक है। कूलिंग एक्शन प्लान, ठीक है, पर दस्तावेज विकसित करने वाला कौन सा देश विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये भारत। BARC ने हाल ही में परमाणु रिएक्टर में
एक 19 संस्करण को फिर से लॉन्च कर दिया है, ठीक है, अप्सरा ने, ठीक है, अप्सरा को लॉन्च किया है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2018 मूव का आयोजक शहर कौन सा है, तो ये नई दिल्ली है, ठीक है। भारत सरकार GOI ने सितंबर 2018 से किस जीवन रक्षक दवा की सुरक्षा बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है, ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है। किस देश ने इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान पर सहयोग करने के लिए भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये फ्रांस ने। मैरीकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान कुल स्थापित क्षमता क्या है, तो 25 गीगावाट है, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन करने में, ठीक है। भारत काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल पुस्तक के लेखक कौन है, विनीत वाजपेयी हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंक क्या है, तो 130 है, ठीक है ना। विश्व शतरंज कांग्रेस 2018 का मेजबानी देश कौन सा है, तो भारत है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है, ठीक है, तो वडोदरा में स्थित है। राजस्थान सरकार ने किस शहर में विरासत संपत्तियों को संरक्षित करने पर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है, तो भरतपुर में। बैंकॉक में 67वें मिस यूनिवर्स 2018 पेंजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो नेहल चुदासमा। 12वें एरो इंडिया 2019 का आयोजक स्थल कौन सा शहर है, तो बेंगलुरु, एरो इंडिया आयोजन होगा वहीं पर। किस भारतीय महिला लेखक ने एक नया उपन्यास द रूल ब्रेकर लिखा है, प्रीति सेनॉय, ठीक है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा संकलन के लिए नवाचार बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ AMU पर हस्ताक्षर किए हैं, IIA का मुख्यालय कहाँ है, तो ये IIA का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बिरजेंद्र रेही। महत्वपूर्ण तिथि और दिवस को देख लेते हैं दिसंबर मंथ के, ठीक है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, ठीक है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस, ठीक है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आधिकारिक दिवस। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, ठीक है, मैथ दिवस, यानी कि मैथ डे। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कंज्यूमर डे। कुछ प्रमुख पुस्तक को देख लेते हैं, ठीक है। पहला पुस्तक है फियर, ठीक है। फियर के लेखक कौन है, बॉब वुडवर्ड, ठीक है, बॉब वुडवर्ड फियर के लेखक हैं, ठीक है। इनसाइड द माइंड ऑफ सी जिनपिंग के लेखक कौन है, फ्रैंकोई बाउगोन, ठीक है, कौन है, फ्रैंकोइस बाउगोन, ठीक है। तीसरे पुस्तक है इंटरवाइंड लाइफ जयराम रमेश, ठीक है। चौथी पुस्तक है द बर्नर्स फॉरेस्ट, ठीक है, नंदिता सुंदर इसके लेखक है, ठीक है। पांचवा पुस्तक है पॉलिटिकल ट्राइब्स के लेखक कौन है, एम ई चुआ इसके लेखक है, पॉलिटिकल ट्राइब्स के।